हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ड डिस्क क्या होती है और ये कैसे काम करती है। हार्ड डिस्क, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD भी कहा जाता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस है। हार्ड डिस्क का काम कंप्यूटर डेटा को परमानेंटली स्टोर करना और रिट्रीव करना होता है। नॉन वोलेटाइल डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाने के बाद भी डेटा सेफ रखता है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद रहती है और डेटा केबल्स का उपयोग करके कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए हार्ड डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज का उपयोग करती है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रो मैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए एक या एक से अधिक गोल घूमने वाली डिस्क या प्लेटर लगी होती हैं। हर एक प्लेटर में एक बहुत पतली पट्टी होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल के इस्तेमाल से बनाई जाती है। इन प्लेटर में कई सारे ट्रैक्स और सेक्टर्स मौजूद रहते हैं। यह स्पिंडल के माध्यम से घूमते हैं। जब प्लेटर घूमना शुरू करता है तो हार्ड डिस्क में लगा एक रीड राइट आर्म इसके ऊपर लेफ़्ट राइट मूव करता है। इसका काम प्लेटर से डाटा पढ़ना और डेटा लिखना होता है। जितनी स्पीड से स्पिंडल प्लेटर को घुमाएगा, हार्ड डिस्क में उतनी ही तेज़ी से डेटा स्टोर होगा। इसकी गति को RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। इसका अर्थात है प्लेटर से एक मिनट में कितने चक्कर लगाए। अधिकतर हार्ड डिस्क 7400 RPM से 7200 RPM की होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि हार्ड डिस्क के कितने प्रकार होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वो कंप्यूटर को कैसे डेटा स्टोरेज में हेल्प करता है।